लोकसभा चुनाव 2024, कांग्रेस से पहले भाजपा जारी करेगी सूची। राजस्थान से भी पहली सूची में उम्मीदवारों का होगा ऐलान। इस बीच 6 लोकसभा सीटों पर सबकी नजर। 6 लोकसभा सांसदों को लड़वाया था विधानसभा चुनाव, हालांकि इसमें 3 को मिली थी जीत, 3 को हार। हारे हुए लोकसभा में पार्टी शायद ही करे टिकट रिपीट। लोकसभा चुनाव 2024, कांग्रेस से पहले भाजपा जारी करेगी सूची। राजस्थान से भी पहली सूची के उम्मीदवारों का होगा ऐलान। इस बीच 6 लोकसभा सीटों पर बनी हुई है सबकी नजर। और इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता अनिल सेन। अनिल, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के सभी पार्टियों में एक उत्साह और एक उमंग भी नजर आ रही है। सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं और वहीं कांग्रेस से पहले बीजेपी जो है वो अपनी उम्मीदवारों की सूची राजस्थान को लेकर जारी करने वाली है। ऐसे में क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, अब अगर देखा जाए तो पहली सूची का काउंटडाउन शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। कल सीसी की बैठक हो चुकी है और सीसी की इस बैठक के अंदर माना जा रहा है कि लगभग भारतीय जनता पार्टी ने 100 से अधिक सीटों पर, देश भर की जो लोकसभा की सीटें उस पर चर्चा कर ली है और चर्चा करते हुए फाइनल रूप भी दे दिया गया है कि जो पहली लिस्ट जारी होगी उसमें कितनी सीटें आएंगी ये तो डिक्लेरेशन के बाद पता लगेगा, लेकिन जो फाइनल की गई है वो 100 के आसपास है। तो ये भी माना जा रहा है कि जो पहली सूची होगी शायद इतने नामों की सूची जो है वो यहाँ पर जारी कर दी जाए और उसमें राजस्थान के जो चेहरे हैं वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। लगभग 10 सीटें लोकसभा की ऐसी मानी जा रही है जिन सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। खासतौर से 25 सीटों को, या फिर यहाँ यूं कहा जाए कि भाजपा ने राजस्थान को 3 से 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, अलग अलग कैटेगरीज रखी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में तमाम वो लोकसभा सीटें रही जहाँ पर पार्टी या तो लीड करती रही है, फिलहाल भी जो स्थिति है वो मजबूत स्थिति में है, किसी भी उम्मीदवार को अगर खड़ा कर दिया जाए तो वो जीतने की स्थिति में, तो वो सीटें जो है एक कैटेगरी में कहीं ना कहीं मानी जाती है, जिसमें राजसमंद को देख लिया जाए, जयपुर शहर को देख लिया जाए, अगर उदयपुर चित्तौड़ को देखा जाए तो ये जोधपुर सीट को अगर देख लिया जाए, कोटा सीट को अगर देख लिया जाए, तो ये जो कैटेगरी वो कैटेगरी की सीटें हैं जहाँ पर पार्टी जो है वो जीत के प्रति बिल्कुल आश्वस्त भी है। लेकिन इसके साथ साथ ये उन सीटों में भी काउंट होती हैं जिन पर शायद पार्टी जो है वो चेहरा भी शायद नहीं बदले। चित्तौड़गढ़ की अगर बात करी जाए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उस सीट से आते हैं, शायद ही पार्टी वहां पर बदलाव करेगी। कोटा से बात कर ली जाए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आते हैं, वहां पर भी बदलाव का मूड शायद पार्टी का नहीं होगा। जोधपुर में अगर देखा जाए, जल शक्ति मंत्री जो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका दौरा भी आज से शुरू हो गया है। लोकसभा संसदीय क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पोखरण की विधानसभा में कई शिलान्यास और कार्यक्रम, उद्घाटन जो कार्यक्रम है वो दौरे करते हुए वहां पर किए जाएंगे। तो ये लगभग तय मानी जा रही है वहां की सीट भी, कि शायद वो सीट पर कोई बदलाव शायद ही पार्टी लेवल पर कुछ विचार वहां पर किया जा रहा हो। तो ये जो सीटें हैं, कद्दावर नेताओं की सीटें भी हैं और सेफ सीट भी जो है उनको कहा जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ पार्टी ने जो विचार किया है कि कितनी सीटें बदलनी है, नए चेहरों को अगर देखा जाए तो लगभग 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जहां पर पार्टी ने बदलाव का मन बना लिया है। अब उन सीटों पर नए चेहरे होंगे, नए चेहरे किस तरह से होंगे, कुछ पर सोशल इंजीनियरिंग की गई है, लेकिन कुछ सीटों पर अगर देखा जाए, झुंझुनू को देख लिया जाए, दौसा सीट को देखा जाए, सवाई माधोपुर करौली की जो सीटें हैं, टोंक सवाई माधोपुर की सीट को देख लिया जाए, तो इन सीटों के ऊपर जो दावेदार हैं
उन झुंझुनू सीट की अगर बात की जाए तो नरेंद्र खींचड़ को अगर टिकट नहीं मिलता है तो उन्हीं के परिवार से किसी को टिकट दिया जा सकता है। हर्षनी कुलेरी जिला प्रमुख है झुंझुनू की, उनको नाम वहां पर चल रहा है। तो पार्टी अगर ये बदलाव करती है, चेहरा बदलाव जरूर हो सकता है, लेकिन वहां पर परिवार से ही दूसरे सदस्य को टिकट दी जा सकती है, ताकि जो वोट बैंक है, जो एक तरह से वजूद है, और ये भी एक तरह से कि चेहरा भी बदल जाएगा लेकिन सीट भी जो है उसी परिवार की रह जाएगी। तो ये कि रणनीति का हिस्सा पार्टी यहाँ पर अपनाने जा रही है और उसी के तहत चेहरे बदले भी जाएंगे। कई जगह हम देख रहे हैं कि दौसा से अगर देखा जाए कृणाल मीणा, वो अपने भाई जगमन मीणा के लिए लोबिंग वहां पर कर रहे हैं। उम्मीद है पार्टी शायद इस पर विचार करे, गौर करे। अगर टोंक सवाईमाधोपुर से देख लिया जाए तो गुजर बेल्ट वहां पर आता है, कृणाल बैंसला उनकी बेटी है, उनका भी नाम उस सीट से चल रहा है। तो यहाँ पर पार्टी इस तरह के प्रयोग यहाँ पर कर सकती है। और उसके साथ साथ कुछ विधायक जो है, विधायकी का जो चुनाव जो नेता थे वो हार चुके हैं, तो उनको सेटल अगर करना होगा, और उनमें कद्दार नाम भी है, सुभाष मेहरिया का नाम देख लिया जाए, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का नाम देख लिया जाए, पूर्व नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को अगर देख लिया जाए, ये वो चेहरे हैं जो कि विधायकी का चुनाव हार गए, लेकिन इनके नामों पर विचार किया जा रहा है कि इनको टिकट देकर कहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। राजेंद्र राठौड़ का राजसमंद से नाम चल रहा है, जयपुर ग्रामीण और अजमेर सीट से सतीश पूनिया का